भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन केस के खिलाफ देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के मामले में हर किसी की अपनी राय है। जहां सरकार का मानना है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि गाड़ी चालक एहतियात रखे और सावधानीपूर्ण गाड़ी चलाएं, शराब नशे आदि के सेवन से बचे, वही गाड़ी चालकों की अपनी राय है। सड़क पर सफर करते हमें ऐसे ही कुछ ट्रक चालक मिले जिनसे हमने उनकी राय जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। भाइयों, तो आप ट्रक चलाते हैं? हाँ जी। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले जो ट्रकों की स्ट्राइक हुई थी, पूरे देश में ट्रक बहुत सारी जगह बंद हो गए थे, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, सामान इधर उधर से जा नहीं रहा था, पेट्रोल बंद हो गया था ले जाना, तो वो क्यों बंद हुआ था और आपको उससे क्या क्या दिक्कतें आई, किस कारण से आपने ऐसा किया था? सर, यह तो हमारे ऊपर वो एक कानून था, जो कानून लागू करने की सरकार बोल रही थी, जो एक कानून है उसमें से देखो, जो ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा उसके में से अपने को जो बंदा ख़त्म हो गया, एक्सीडेंट ज़्यादा चोट आई हो या बंदा ख़त्म हो गया, उसको अगर हॉस्पिटल ड्राइवर पहुँचाएगा तो उसको कम सज़ा होगी, और उसमें से आदमी ख़त्म हो गया जो ड्राइवर भाग गया उसमें से ड्राइवर को 10 साल सजा और 7 लाख जुर्माना। देश में पहले से कानून आ रहा है, वो पहले पुराना वाला कानून हमारे को अच्छा लगता था, उसमें से देखो, हाँ ठीक है बंदा मर गया, खुदा न खास्ता हो जाए, एक्सीडेंट हो गया, होता ही नहीं, हमारे हाथ से नहीं करना चाहते हैं, हमारे चींटी भी नहीं मारना चाहते हैं, खुदा न खास्ता हो गया एक्सीडेंट, उसमें से ठीक है ड्राइवर थोड़े दिन बाद बाहर आ जाता है और उसकी जमानत हो भी हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ये बात है जो हमारे को एक्सीडेंट, जो ट्रक हम चलाते हैं रोड के ऊपर चलते हैं दिन रात 24 घंटा, बारिश आंधी तूफान भूकंप, बारिश कैसा भी ठंडी हो कैसी भी गर्मी हो, हमारे को माल पहुंचाना जरूरी है, माल पहुंचाना हमारे को जरूरी है, वहां से वहां लाना 24 कलाक हमारी ड्यूटी है ट्रक ड्राइवर की, किसी की नहीं है, 24 कलाक हमारे फौजी की और हमारी ड्यूटी है ड्राइवर भाइयों की। ताकि रही बात एक्सीडेंट हम करना नहीं चाहते हैं, हमारे भाई एक्सीडेंट हम बिल्कुल हम जान बूझ के नहीं एक्सीडेंट करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर बंदे एक्सीडेंट कोई मोटरसाइकिल वाला आओ जो आम आदमी कोई भी बंदा घुस गया अंदर से पागल हो जाए कोई भी हो अंदर एक्सीडेंट मतलब हो गया ट्रक से एक्सीडेंट हो गया तो हम उसको सरकार अभी जो नियम निकाला है ना जो कानून निकाला है इसमें से ये है जो हम तो ड्रंक उसको मतलब बंदे को बचाने उतर जाए नीचे उतर जाए ट्रक बंदे को बचाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाए तो हमारे को पब्लिक मार देगी। इसमें से ये हुआ है देखो, पीछे खाई आगे मौत, तो हम जाए तो जाए कहाँ, यह हाल हुआ है। मतलब आप अगर पब्लिक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसको बचाने के लिए उतरते तो भी पब्लिक भड़क के आप पे अटैक कर देती है, मार देती है, फिर भी हमारे को मारती है, फिर आप बचाना चाहे तो भी नहीं बचा सकते, और अगर आप उसको छोड़ के भाग जाते तो क्या, फिर वो तो सरकार हमारे ऊपर जो बंदा भाग गया ट्रक वाला मार के एक्सीडेंट मतलब हो गया तो बंदा भाग गया तो उसमें से सरकार ने ये कानून निकाला है कि 7 लाख रुपए और उस बंदे को ट्रक वाले को 10 साल की सजा, कितने 10 साल की सजा, अगर 10 साल की सजा काटने हम जाए जेल पे या 7 लाख रुपए हमारे 15,000 सैलरी वाले का नहीं है, 7 लाख मिले कभी नहीं मिले, बाकी रही बात हम सजा काटने जाए तो हमारे बीवी बच्चे को क्या होगा, माँ बाप बीवी बच्चे सबको संभालना पड़ता है, हम नहीं होते तो हमारे घर नहीं चलते, हम ट्रक वाले हमारे घर उसके ऊपर ही हमारे ऊपर ही है वो घर, हम जाए जेल में तो हमारा घर कौन संभालेगा, बीवी बच्चे कौन संभालेंगे, ट्रक वाले तो ऑल इंडिया में माल की सप्लाई करते हैं, करोड़ों रुपए का माल आप इधर कंपनी आपकी बना रही है, खरबों रुपए का माल बना रही है कंपनी, ये ट्रक ड्राइवर नहीं होते तो माल सप्लाई नहीं होता, सही बात है। फिर रही बात ट्रक वाले की ऐसी, हम जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट नहीं करना चाहते है, ठीक है हम तो जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट नहीं करना चाहते, हम तो भाई भगवान से कि किसी का एक्सीडेंट नहीं हो, अगर ये ट्रक वाले नहीं होते तो माल का देश में मतलब सप्लाई नहीं हो सकती है, यहाँ का वहाँ लाना, ऑल इंडिया घूमना, हर हर स्टेट घूमना,
कोई स्टेट खतरनाक होता है, कोई कैसा रहता है, कोई कैसा स्टेट रहता है, लूट मार, हमारे को हमारे को भाई मोटरसाइकिल वाले मतलब कोई भी रोड के ऊपर हमारे को तो भाई लूटते हैं, गाड़ियां रोकाते हैं, हमारे को मारपीट होती है, फिर भी हम सहन कर लेते हैं। बाकी फिर भी सरकार हमारे ऊपर यह कानून लगा रही है, यह अच्छा नहीं है, हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी हमारे को 15,000 सैलरी में से हम कुछ नहीं कमा रहे, ये 15,000 हमारे को मिल रहा है। रही बात सरकार से अपील करना, यह चाहते हैं कि हमारे को यह कानून नहीं चाहिए, हमारे उसको मार के पीछे लाना।